हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पर सूट देख रहे हैं, आज हम आपको इस सूट की स्टिचिंग बताएंगे, यानी कि इस सूट को कैसे सिलते हैं। ये अस्तर वाला सूट है। इसी सूट की मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक वीडियो में कटिंग बताई थी, आज हम इसकी स्टिचिंग बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ कमी लगे या फिर कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी सूट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सूट के कपड़े को लाइनिंग के कपड़े के साथ शोल्डर से स्टिच कर देंगे, यानी कि कच्चा कर देंगे, जिससे कि ये दोनों जॉइंट हो जाए। फ्रेंड, जैसे हमने अपने शोल्डर पर कच्चा किया, उसी तरीके से हम अपने सूट के मुंडों पर भी कच्चा कर लेंगे। जिस तरह हमने अपने फ्रंट के पार्ट में कच्चा किया लाइनिंग के कपड़े के साथ, वैसे हमने बैक में भी कच्चा कर लिया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक के लिए हमने बुकरम कटिंग कर ली है। बुकरम कट करने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आप बुकरम कट कर सकते हैं। और अगर आपको बुकरम कट करने का तरीका नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो तरीका सीख सकते हैं। और आपको अगर प्रॉपर गला बनाना अलग से सीखना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो देखकर भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर आई बटन पर जो लिंक है उसको ओपन करना पड़ेगा और वो वीडियो आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम अपने गले की बुकरम को कपड़े पर अच्छी तरीके से स्टिच कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अपने कपड़े को पकड़ कर इस तरीके से कट यहाँ पर लगाइए ऊपर की साइड, और एक कट हमें बीच में लगाना है, इससे गला इजीली सिल जाता है। अब हम अपने सूट के कपड़े पर बुकरम के कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और एक मेड़ में सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हम बुकरम तक करेंगे और उसके बाद हम बुकरम के किनारे किनारे पर अपनी सिलाई करेंगे। बुकरम के किनारे पर सिलाई करने से जो हमारे गले में फिनिशिंग अच्छे से आती है, बहुत सफाई के साथ हमारा गला बनता है। नेक की सिलाई के बाद हम अपने बीच वाले कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़ा कट करने के बाद हम इसमें कट करेंगे। फिर इस तरीके से हम इस प्रॉपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। बस याद रखिए कपड़ा ज़्यादा ना कट जाए। कट लगाने के बाद हम अपने कपड़े को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक कच्चा कर लेंगे, जिससे हमें तुरपाई करने में आसानी हो जाए। ये हमारा फ्रंट कनेक परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी झोल वगैरह नहीं है, फिनिशिंग पूरी आई है हमारे नेक में। और इसी तरीके से हमने अपना बैक का नेक भी बना लिया। जिस तरीके से फ्रंट का बनाया वैसे ही हमने बैक का बनाया है बुकरम के साथ। आप देख सकते हैं इस गल नेक में भी हमारी कितनी फिनिशिंग आई हुई है। अब हम अपने सूट के आगे और पीछे वाले दोनों पल्लों के शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद मैंने अपने आगे पीछे के पल्लों को इस तरीके से रोलपिन की सहायता से जॉइंट कर दिया है, आगे पीछे का पल्ला जोड़ दिया है। अब हम सूट के ऊपर फिटिंग का निशान लगा लेंगे, 1/4 हिस्से का 10.25 पर, और जो हाफ पोर्शन आएगा वो हमारा 19.5 पर आएगा, यानी कि जो हमें अंडर आर्म्स
इसकी जो फिटिंग का निशान लगाना है वो 19.5 पर लगाना है। ये हमारा प्रॉपर 19.5 पर हमने निशान लगा लिया। अब हम अपनी चेस्ट वाले पोर्शन पे, यानी कि जो हमारी चेस्ट होती है वहाँ पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का जो निशान है वो हमें 19 पर लगाना है। इस तरीके से आप भी जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको भी ध्यान से निशान लगाना है। ये हमारे चेस्ट पर प्रॉपर 19 का निशान आ चुका है। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का जो मेजरमेंट है का निशान लगाना है वो हमें 16.5 पर लगाना है। जैसे कि यह हमारा कपड़ा 20.5 है तो हम 2-2 इंच दोनों साइड छोड़ते हुए निशान लगा देंगे, 16.5 पर आ जाएगा ये हमारा। और लास्ट में हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप का जो मेजरमेंट का निशान लगाना है वो हमें 20 पर लगाना है। जैसे हमने अपनी फिटिंग के बाकी निशान लगाया उसी तरीके से हम हिप का भी निशान लगा देंगे। हमने अपने सभी निशानों को इस तरीके से जॉइंट कर दिया है और जो हमने निशान लगाया अब हम उनके ऊपर स्टिचिंग करेंगे अपनी। ये हमारी जो स्लीव्स है हमें 2 इंच की स्लीव्स बनानी है। इस पर हमने आगे कच्चा करके फोल्ड कर ली है इस तरीके से। और सूट के मुड्ढे से बाजू का दूसरा निशान लगाएंगे। सूट के मुड्ढे को इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ अपनी फिंगर से। इस तरीके से दोनों को इक्वल करते हुए यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे बराबर करते हुए इस तरीके से। जहाँ पर हमारा कपड़ा इक्वल हो रहा है इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाकर इस पर स्टिचिंग कर देंगे। अब अपन नी स्लीव्स के कपड़े को सीधा करके अंदर की साइड से सूट में लगाकर देखेंगे कि ये हमारा बाजू का कपड़ा सूट के मुड्ढे के साथ परफेक्ट आता है या नहीं। इस तरीके से हम इसको देख लेंगे। पहले हम अपनी सिलाई के ऊपर सिलाई का कपड़ा रखते हुए इस तरीके से यहाँ से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम अपने अंडर आर्म्स में जो हमारी सिलाई होती है बाजू की और हमारे सूट की, उस सिलाई के ऊपर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे। हमें अपनी स्लीव्स को थोड़ी सावधानी के साथ सिलना है क्योंकि बाजू लगाते हुए कई बार झोल आ जाता है। वो झोल हमें नहीं पड़ने देना है। हमें ना ही अपने बाजू के कपड़े को खींचना है और ना ही सूट के कपड़े को खींचना है, क्योंकि अगर हमने कोई सा भी कपड़ा खींचा तो उसमें झोल आ सकता है। और ना ही हमें ढीला छोड़ना है। हमें दोनों कपड़ों को
एक वाली पकड़ते हुए जाना है और सिलाई करते रहना है। इस तरीके से आप अपने सूट की बाजू को इजीली सिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिल कर दिखाई है, आपको भी वैसे ही सिलनी है। अब हम अपनी स्लीव को सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, कहीं भी कोई झोल नहीं आया। आगे पीछे से देखिए स्लीव हमारी प्रॉपर तरीके से लगे। जिस तरीके से हमने ये स्लीव लगाई वैसे हम दूसरी स्लीव भी लगा लेंगे अपनी।